हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, और आज इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो मेथड्स हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो सकती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 28 एग्जांपल। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर है, देखिए। सो आई इज इक्वल टू, हम इसको लेट करते हैं, माइनस वन से वन है आपके पास, 5x की पावर 4, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, x² + 1 और dx। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्यों कि x² + 1 को टी पुट करेंगे तो 5x² यहाँ पर ये क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 5x की पावर 4 √x की पावर 5 + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x की पावर 5 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 5x की पावर 4 आएगा, तो हम 1 को साथ में हम लेट कर लेते हैं। तो लेट किया हमने x की पावर 5 + 1 को, हमने t लेट किया, सो इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5x की पावर 4, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो देखिए ये यहाँ पर dx है, तो 5x की पावर 4 t dx कितना हो जाएगा, dt बन गया। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे लिमिट को, चेंज लिमिट, लिमिट को हम चेंज करते हैं। तो देखिए लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए x की वैल्यू जब अपन -1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए -1 की पावर 5, इट इज -1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t, सो t विल बी 0। तो जब अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो t की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, देन x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो देखिए 1 की पावर 5 1 आता है, 1 + 1 2 आता है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो मेरी नई लिमिट जो है 0 to 2 हो गई। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिख दिया 0 से 2, और यहाँ पर लिख देंगे √t और dt। ठीक है, अब √t का इंटीग्रेशन 2/3 t की पावर 3/2 होगा, और अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए 2/3 अपर लिमिट यहाँ पर पुट करी 2 की पावर 3/2 -0 की पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पर 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2 निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स √2। √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 × √2 × √2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना जाएगा, √2 √2 2 आ गया, 2 × 2 = 4, तो 4√2/3 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 28 एग्जांपल हो चुका है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर 0 to 1, और यहाँ टेन इनवर्स, ठीक है, x और dx अपॉन 1 + x² है, तो हमें पता है कि टेन इनवर्स x को हम t पुट करेंगे, तो यहाँ पर dx अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू कितना आएगा, dt आ जाएगा। और हम लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, तो देखिए लिमिट चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, x की वैल्यू यदि हम 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू देखिए टेन इनवर्स 1 π/4 होता है। सो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर ये बन गया 0 से π/4। ठीक है, और यहाँ पर dt अपॉन कितना हो गया, देखिए dt × t आ गया। ठीक है, dt × t आ गया, क्लियर। देखिए इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, और इसकी जगह dt पुट कर दिया, तो देखिए आंसर हो जाएगा t² / 2, और हमने 0 to π/4 पुट कर लिया। सो यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ है, π² / 16 माइनस कितना आ जाएगा 0, सो ये आ गया आपके पास π² / 32 इज़ द आंसर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हम लिमिट चेंज करके, बिना चेंज किए लिमिट भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट चेंज करने से हमें थोड़ी सुविधा मिल जाती है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, तो देखिए इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, देखो 2x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और रूट साइन फाई, इसको बोलते हैं फाई बोलते हैं, ठीक है, और कॉस की पावर फाई फाई डी फाई। अब देखिए हमें पता है कि साइन फाई को टी पुट करेंगे, साइन फाई को हमने टी पुट किया, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस फाई और डी फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी, और लिमिट चेंज करेंगे तो जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू हम पाई बाई टू पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो गया 0 to 1 लिमिट में, यहाँ लिख दिया आपने रूट टी। देखिए ये कॉस की पावर 5 है तो इसको हमने तोड़ कर लिखा, कॉस की पावर 4 इंटू कॉस, तो कॉस की पावर हमने क्या कर दिया 4 5, और यहाँ पर कॉस 5 और डी 5 लिखा। तो देखिए कॉस 5 डी 5 की वैल्यू तो हम डी टी लिख देंगे, और कॉस की पावर 4 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 to हमने 1 लिखा, रूट टी यहाँ लिख दिया, और कॉस यहाँ लिख देंगे अपन कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, और हमने लिख दिया डी टी। जब तक ये कॉस 5 कन्वर्ट नहीं होगा डी टी में या टी में, तब तक ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 आ गया रूट टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा डी टी हो गया। अब साइन 5 की जगह हम टी पुट कर देंगे, तो देखिए 0 to 1 रूट टी, और यहाँ पर 1 माइनस कितना आ जाएगा टी, है ना, टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कितना आ जाएगा डी टी। क्लियर है, तो इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा, तो खोल लेते हैं 0 to 1 ये रूट टी आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर आएगा, और टी की पावर 4, और ये हो गया डी टी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 0 to 1 ये हो गया हमारा रूट टी, यहाँ पर देखिए ये हाफ है और ये 2 है, तो 2 प्लस हाफ कितना होता है 5/2 होता है, ठीक है 5/2, तो 2 टी की पावर कितना आएगा 5/2, और यहाँ पर 4 प्लस हाफ कितना होता है, 4 प्लस हाफ होता है 9/2, सो टी की पावर कितना आ जाएगा 9/2 और डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा, सो टी का रूट टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2/3, टी की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 इंटू, देखिए इसमें 5/2 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 7/2, तो यहाँ पर लिख दूंगा कि 2/7 टी की पावर 7/2, क्लियर है 7/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 9/2 में 1 ऐड करेंगे, 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 9 2 11 11/2, तो 2/11 है ना, और टी की पावर कितना जाएगा कि 11/2, और हम लिखेंगे लिमिट पुट करेंगे, देखिए 0 to 1। सो देखिए 0 लिमिट पुट करने से पूरा 0 बन जाएगा, और 1 पुट करने, देखिए 1 यहाँ पर पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2 करें, 1 की पावर 7/2 करें, टी की 1 की पावर 11/2 करेंगे, सभी 1 ही रहेगा, तो केवल इनके जो कोफिशियंट्स हैं उन्हीं को हमें ऐड करके लिखना है। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पर 2/3 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर -4/7 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है आपका 2/11 आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा देखिए, है ना, सभी प्राइम नंबर्स हैं तो इनका सभी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 × 7 × 11, तो देखिए 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 77 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 2 = 14, 1 है ना, 14 × 1 = 15, 154, तो 154 यहाँ से आएगा, 7 यहाँ से ख़त्म हो गया, 33 को 4 से, तो 33 को 4 से करेंगे तो 12 × 1 = 12 और 13 = 132 यहाँ से आएगा, तो यहाँ 132 आ गया, प्लस 11 ख़त्म हो गया, 21 को 2 से, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 21 को 2 से, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, यहाँ 42।
तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन है, इसमें हम कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया ये टोटल, टोटल देखते हैं तो 154 में 42 ऐड करेंगे, 154 और 42 हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 6 बनेगा यहाँ पर, ठीक है 9 आ जाएगा 196, 196 में 132 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 64 डिवाइड बाई 11 तो आंसर आ जाएगा हमारा 64, ठीक है डिवाइड बाय 11 सॉरी कितना हो जाएगा 77 × 3, 77 × 3 आएगा आपका 70 21 2 70 21 22 23, तो 231। सो आंसर आ गया हमारा इसका कितना, ये आंसर आ जाएगा 231, थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, 231 ये मेरा परफेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिएगा कहीं मल्टीप्लिकेशन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्लियर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। अब थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x/1+x2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो आई इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x/1+x2। यदि आपने सेकंड चैप्टर ढंग से पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ है साइन इनवर्स 2x/1+x2, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है किसका फॉर्मूला होता है, देखिए 2 tan इनवर्स, ठीक है x को हम क्या लिख सकते हैं कि 10 को लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स, है ना साइन इनवर्स 2x, ठीक है 1+x2। देखिए इसको मैं थोड़ा बताता हूँ कि यदि आपको यदि याद नहीं आ रहा ये फॉर्मूला तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको, एक्स की जगह 10 थीटा पुट कर लो, 2 tan θ / 1+10²θ, ये साइन 2 θ का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन से खत्म हो जाएगा, 2 θ, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स x से पुट करेंगे, तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 2 बाहर 0 to 1, और यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स, ठीक है एक्स डी एक्स। अब 10 इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम आई लूट का सहारा लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन, ठीक है तो यहाँ पर 2 HDs है, फर्स्ट फंक्शन 10 इनवर्स x है, ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स x है, ठीक है डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 1/1+x² आएगा, इंटू यहाँ पर x आएगा और dx आएगा, और यहाँ पर 0 to यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखिए इसको t पुट करेंगे, इसको t पुट करेंगे तो 2x, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1+x² को हमने t पुट किया तो 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, और x dx इक्वल टू कितना आएगा dt/2 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए कि 2 times of x 10 inverse x और माइनस हाफ, ठीक है और इंटीग्रेशन ऑफ कितना कर दिया dt/dt कितना आ जाएगा t कर दिया, ठीक है और यहाँ पर 0 to 1 एज इट इज़ ए लिमिट, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 बाहर है x 10 इनवर्स x और -1/2, और यहाँ पर कितना जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ टी, तो टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1+x² 1+x² और यहाँ से 0 to 1, देखिए टी आएगा लेकिन इस अपन क्या कर सकते हैं 1+x² लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब अपन अपर लिमिट पुट करते हैं तो देखिए अपर लिमिट 2 तो बाहर है तो 1 × 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 1 tan इनवर्स 1, और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस लॉग, ठीक है 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ये अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट में माइनस चलते हैं, ठीक है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 log 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 ब्रैकेट हम क्या करते हैं इसको कि π/4 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 और कितना जाएगा log 2, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, या π/2 आएगा, π/2 माइनस लॉग कितना आ जाएगा 2, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है ये भी आंसर है, दोनों आंसर हो सकते हैं, आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपको हिंट दे रखा है, हिंट वगैरह नहीं देखनी है, आपको अपना दिमाग लगा के सोल्व करना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, आई इज इक्वल टू देखिए कितना है इंटीग्रेशन 0 to 2 और x square root of
कितना x प्लस टू है। हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल लेट करेंगे, x प्लस टू को t पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे t, और dx को हम क्या लिख देंगे dt पुट करेंगे। लिमिट चेंज करेंगे तो x की वैल्यू 0, तो t वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो हमारा इंटीग्रेशन कितना आ गया 2 to 4 हो गया, ठीक है 2 to 4 हो गया। और इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस x की जगह लिख सकते हैं देखिए t माइनस टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं t माइनस टू। तो यहाँ t माइनस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर लिख दिया रूट टी, और यहाँ पर dt लिखा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 to 4 हो गया, रूट टी और t को लिख सकते हैं अपन t की पावर 3/2, ठीक है। कैसे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 2 root t, और कितना कर दिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5/2, तो 2/5 और टी की पावर 5/2 माइनस यहाँ पर 4 कितना जाएगा 3, टी की पावर 3/2 आएगा, और अपन क्या करेंगे 2 to 4 इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2/5 इंटू, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 × 4 = 8 = 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 × 4 = 32, तो 32/3, तो ये आपका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट की बात करते हैं तो लोअर लिमिट में क्या होगा देखिए, यहाँ पर 2/5 एज इट इज़ है, ठीक है इनटू, अब ये देखिए कि 2 पुट करेंगे तो रूट 2 की पावर 5, तो ये रूट टू, 1 2 3 4, और ये रूट टू, ठीक है। फिर माइनस 4/3 इंटू 2 root 2 की पावर 3, तो रूट टू इंटू रूट टू, तो इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 32 है ना, अपन क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लें, तो 15 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 64, तो ये 64 तो ऑलरेडी है, 64 तो ऑलरेडी है, इसको अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 18 और 1 19 192, यहाँ पर एग्जैक्टली 192 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 = 1 15 और 1 = 16 160, तो यहाँ 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशंस होगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट लगा लिया माइनस, अब देखिए इससे टू और इससे टू, तो 2 to 4 = 8 8√2 8√2 / कितना जाएगा 8√2 / 5 आ गया, ठीक है। माइनस देखिए ये 2 × 4 = 8 8, यहाँ पर √2 / कितना जाएगा 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी लेके सोल्व कर लेंगे तो देखिए कि यहाँ पर कितना जाएगा 190, 2 में से 160 को माइनस करेंगे तो 2 और ये 3 आ गया 32 36 9, ठीक है 32 यहाँ ऊपर आ गया, 32/15 माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 एलसीएम लेंगे, 8√2 का कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 − 5 − 2, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा कि 2, तो 16√2 आ जाएगा 16√2, तो आंसर आ गया 1/15 बाहर ले लिया, ठीक है। ये 32 प्लस कितना जाएगा 16√2, और इसमें कॉमन कुछ लेना चाहें तो 16 कॉमन ले सकते हैं, तो 16/15 और यहाँ पर 16 × 2 = 32 2 + √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ सकता है, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि 8√2 बाहर ले लेंगे तो ये कितना 3 और −5 तो −2 − +2 हो गया, 8 × 2 = 16, और सही है। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया, कोई गलती हो तो देख सकते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कॉस एक्स को हम पुट करेंगे, है ना, कॉस एक्स को पुट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और 1 + x², तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स का, आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो इसको हम कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, 6 वाला क्वेश्चन है, 0 to 2, ये x + 4 − x² है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप कर लोगे, और ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर 0 to 2 है, और dx/, कितना कर दिया x + 4 − x² है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जीरो टू कितना जगह टू, और डी एक्स अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। तो माइनस वन एक्स का कोफिशियंट है, इसका हाफ करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वन बाई फोर एड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस जीरो टू टू अगर दिया डी एक्स अपॉन ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस वन आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो जीरो टू टू और डी एक्स अपॉन यहाँ पर बन जाएगा एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 16 तो ये माइनस तो कितना हो जाएगा 15, तो इसको लिख देंगे रूट 15 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। सो माइनस आगे लगा दिया, ठीक है, वन अपॉन ए का मतलब कितना जाएगा रूट 15 अपॉन कितना जाएगा 2, टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की वैल्यू एक्स माइनस हाफ अपॉन ठीक है रूट 15 अपॉन 2, और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, ये 0 टू 2 और माइनस आगे है, तो इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, माइनस 2 बाय रूट 15 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, टेन इनवर्स इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते तो 2x ऊपर आएगा 2x माइनस 1 अपॉन रूट 15, और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 टू 2। तो यहाँ पर माइनस 2 अपॉन रूट 15 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना जाएगा टेन इनवर्स कितना जाएगा 4 माइनस तो 3 अपॉन कितना जाएगा रूट 15 आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इनवर्स कितना जाएगा 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, टेन इनवर्स माइनस 1 तो टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन कितना जाएगा रूट 15। ठीक है, तो इसमें माइनस टेन इनवर्स माइनस 1 कितना होता है, माइनस टेन इनवर्स x होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 रूट 15। यहाँ पर क्या लिखा हमने, टेन इनवर्स ठीक है 3 अपॉन रूट 15 और प्लस कितना जाएगा टेन इनवर्स ठीक है 1 अपॉन रूट 15। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ इसमें कुछ गलती तो नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट हाफ वन है, वन का हाफ करेंगे वन बाई टू, वन का बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे वन बाई फोर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पर 16 और माइनस वन यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस होगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव होगा तो यहाँ दिक्कत आ गई। देखो ये माइनस वन होगी, ठीक है ये माइनस फोर होगा, तो माइनस फोर होगा तो यहाँ पर माइनस ये माइनस फोर हो जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे आ रहा है। तो ये 16 और एक 17, तो बात वही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई है, थोड़ा सा इसको लिख देंगे रूट 17 लिख देंगे, ये कितना जाएगा रूट 17। ठीक है, रूट 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा रूट 17 आ जाएगा, रूट 17 बाय 2, तो रूट 17 बाय 2, यहाँ से भी रूट 17 बाय 2 नीचे रूट 17 बाय 2, तो रूट 17 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ कितना जाएगा रूट 17 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर भी रूट 17 आ जाएगा, तो रूट 17 रूट 17 तो ये रूट 17 यहाँ पर भी रूट 17 यहाँ रूट 17 सब जगह रूट 17 चार चौक 16 एक 17। ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पर रूट 17 कर देते हैं, फिर भी आ तो अजीब ही रहा है ये। ठीक है, तो ये रूट 17 यहाँ पर रूट 17 यहाँ पर रूट 17 ठीक है रूट 17 ये रूट 17, तो ये इस तरीके से आंसर आ गया रूट 17। एक बार और चेक कर लीजिएगा इसको, सेम है, सेवन्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एट्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 1 टू 2 वन अपॉन एक्स माइनस समथिंग है ना, तो देखिए एट्थ वाला क्वेश्चन क्या है, एट्थ वाला क्वेश्चन 1 टू 2 ठीक है
वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x है, e की पावर एक्स स्क्वायर है या 2x है चेक कर लेते हैं, e की पावर 2x है ठीक है, e की पावर 2x और dx। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, e की पावर x और ये फंक्शन और ये इसका डिफरेंशिएशन होता तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इस तरीके का है तो हम इसको क्या करते हैं कि 2x को t पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं 2x को हम t पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt और dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई dt by 2 आ जाएगी ठीक है। और जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे x की वैल्यू t by 2 पुट कर देंगे और हम लिमिट चेंज करेंगे इसकी, लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने पर क्या होगा x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूँगा तो t की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, जब x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। सो आपका इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 to 4 हो गया ठीक है, और 1 अपॉन x की जगह क्या पुट करेंगे t by 2 पुट कर देंगे तो t by 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा और यहाँ पर लिख दिया e की पावर t कर दिया और dt dt बाय कितना आ जाएगा 2 आ गया dt by 2। तो ये पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो गया पूरे में, तो देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो अपन हाफ बाहर लिखा यहाँ पर 2 to 4 इंटीग्रेशन किया, ये 2 ऊपर चला जाएगा ये 2 कट के ऊपर चला जाएगा 2 भी, तो यहाँ पर 2 अपॉन कितना जाएगा t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पर e की पावर t और dt लिखा, तो ये 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ पर 2 to 4 आ गया 1 अपॉन t है ना 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा dt और इसका e की पावर 7 में है, e की पावर 7 में तो e की पावर कितना आ जाएगा t और dt कर लिया। तो अब देखिए ये फॉर्मूला लग गया ठीक है, ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ये है तो e की पावर t और ये कितना आ जाएगा इंटू 1 अपॉन t मेरा इसका आंसर आ गया और 2 to 4 हमने वैल्यू पुट करी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 डिवाइड बाय 2 ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं e की पावर 2 बाहर ले लेते हैं और एलसीएम आ जाएगा इसका 4 तो यहाँ बचेगा e की पावर 2 और माइनस 1 आ जाएगा, सो ये मेरा आंसर है ठीक है, दिस इज़ माय आंसर, क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है, थोड़ा इसमें ट्रिक ज़रूर थी लेकिन हो गया। चलिए 8th वाला क्वेश्चन हो गया, 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब तो 9th और 10th दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में 9th वाला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 1/3 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एक्स की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे एक्स की पावर क्यूब कॉमन लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको ठीक है। 1/3 to 1 यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, उसकी पावर 1/3 लगानी पड़ेगी हमको, तो यहाँ पर कितना कर दिया एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइड बाय हमने लिखा एक्स की पावर 4 और dx लिखा, तो देखिए क्या होता है, तो ये वन बाई थ्री ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन कितना कर दिया x की पावर 4 है, तो यहाँ से कट जाएगा ये बचेगा 3 और dx। अब क्या करें कि 1/x² माइनस 1 को t पुट कर लेते हैं, तो 1 ठीक है x² माइनस 1 को हमने t पुट किया तो माइनस 2/x³ dx इक्वल टू कितना जाएगा dt आएगा, तो dx अपॉन ठीक है x³ इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2 आएगा, तो और लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करें कि नहीं करें ठीक है, लिमिट चेंज नहीं करते बाद में देख लेंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस हाफ यहाँ लिखा ठीक है और ये लिख दिया ऊपर t की पावर 1/3 और dt लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस हाफ यहाँ लिख दिया t की पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4/3 आएगा और इंटू 3/4 लिख देंगे 3/4 ठीक है, और इसमें अपन क्या करेंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे ठीक है, ये आपके पास कितना है अपर लिमिट 1/3 और 1 है तो 1/3 ठीक है और ये 1, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तब जाके होगा तो माइनस 3/8 और यहाँ पर हमने t की वैल्यू पुट कर ली तो 1 कितना है x² माइनस 1 ठीक है, इसकी पावर हमने लगा दी कि 1/3 to 1 और इसकी पावर भी 1/4 है
इसकी पावर भी 1.3 है, 4.3 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया -3/8, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1-1 तो 0 हो गया, माइनस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 पुट करेंगे तो देखिए 1/3 पुट करेंगे तो 1/9 ऊपर चला जाएगा, 9 आ जाएगा, 9-1 8 आ गया, 8 की पावर 1/3 करेंगे तो 2 की पावर 4, 2 4 8 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है। तो इससे कट करेंगे 2 8 जा 16, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर +6। बाप रे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत उसने तपाया हमको, ठीक है। 6 आंसर करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, f(x=0x)t sin t dt, देन f'(x) इज, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें x की जगह पुट कर लेंगे, मतलब t की जगह पुट कर लेंगे x, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा x sin x, बी आंसर करेक्ट, बी आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। कैसे किया अपन ने, देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, f(x) आ जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, t sin t आ जाएगा, और x की जगह में ये t बनेगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो t और ये पूरा ऐसा एज इट इज रहेगा, x की जगह हम t पुट कर लेंगे, सॉरी t की जगह हम x पुट कर लेंगे, तो x sin x आंसर आ गया। चलिए समझ में आ गया आपको, कुल मिला के क्या होगा, देखिए अपन f(x) करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और t sin t होगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x और 0, ठीक है। तो x पुट कर देंगे, 0 तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कितना आ गया, आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से है, सिंपल सी एक्सरसाइज थी, उसको हमने सोल्व कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ये चैप्टर लंबा ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस करवाने की, ठीक है। तो बच्चों एक खुशखबरी है, खुशखबरी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 3 बचे हुए हैं, मतलब हम 1000 के करीब पहुंच गए हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक ये नए वीडियो पहुंच पाएँ, और जो एग्ज़ाम आ रही है उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।